चैप्टर नंबर 5 है हमारा चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसका मतलब खेल बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। यस सर। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 4 कराया था तो वहां डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर से आपको बताया था, तो वो कॉमन चीज थी। डिसऑर्डर डिसेबिलिटीज किसी में भी हो सकती है, वुमेन्स में भी, चिल्ड्रंस में भी और मेंस में भी, किसी को भी हो सकती है। बट जब हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में हमारा कल्चर कैसा है, मैन डोमिनेटेड, मैन डोमिनेटेड यानी कि मतलब कि समाज में पुरुषों के लिए ज्यादा जगह है खेल में, है कि नहीं? प्रधान, मैन डोमिनेट्स का मतलब होता है पुरुष प्रधान, मतलब पुरुषों के लिए खेल माना गया है। पर नाउडेज दिस थिंकिंग हैज बीन चेंज, अब ये चेंज हो गई है बेटा थिंकिंग, तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लेडीज के सामने, वुमेन्स के सामने, जो उनका स्पोर्ट्स को पूरा नहीं करने देते। बच्चों के सामने बहुत सारी चीजें होती हैं इन स्टार्टिंग, जैसे डिफॉर्मेटरीज पढ़ेंगे आप तो उसके अंदर, तो जो बच्चों को रोकते हैं या जो बच्चों को ग्रो करते हैं वो कौन कौन से रीजन होते हैं, ठीक है? यस सर। सबसे पहला है हमारा टॉपिक है बेटा जी मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। क्या है मोटर डेवलपमेंट? व्हाट इज द मोटर डेवलपमेंट? अभी कोई बच्चा है जो एडमिट? बेटा मोटर डेवलपमेंट क्या है? मोटर डेवलपमेंट सबसे पहले, मोटर डेवलपमेंट का जब हम जिक्र करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो क्या हमारे दिमाग में आता है, मोटर डेवलपमेंट होता क्या है? तो लिसन केयरफुली, हमारी मांसपेशियों का, हमारी मसल्स का और हमारे बोन्स का, हमारी हड्डियों का जो डेवलपमेंट होता है वो मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब जो बॉडी में जो पार्ट्स वगैरह होते हैं उनका डेवलपमेंट जो होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इसके अंदर हमारी मसल्स किस तरह से ग्रो कर रही है, किस तरह से हम चीजों को मैनिपुलेट करना सीखते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं हम, किस तरह से हमारा मूवमेंट होता है और किस तरह से हम चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अपने फिजिकली लेवल के द्वारा, मोटर डेवलपमेंट। बेसिकली डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट जो हमारी बोन्स और मसल्स के अंदर पाया जाता है, जो हेल्प करता है हमारे मूवमेंट में और चीजों को मैनिपुलेट करने में, ठीक है? यस सर। तो ये डेवलपमेंट होता है मोटर डेवलपमेंट, जो हमारी मसल्स में और हमारी बोन्स में पाया जाता है। और बोन्स, और जब हम सपोज दैट हम कैसे कह सकते हैं कि एक बच्चा ग्रो कर रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है उसका, भाई हम उसके शेप और साइज के आधार पर कह सकते हैं, उसकी बॉडी हाइट ले रही है, उसकी मसल्स अकॉर्डिंग चल रही है, देन दैट टाइम वी कैन से दैट इट्स अ प्रॉपर डेवलपमेंट, इट्स अ प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट। हाँ, इफ कैन वी सी दैट टाइम वी कैन, वी कांट सी एनी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, सो वी विल से कि इट्स डेवलपमेंट हैज बीन स्टॉप्ड, रुक चुका है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो yes, इसके बारे में कहा गया है। जनरल क्वेश्चन, मोटर डेवलपमेंट क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट।
देखो बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट जब है मोटर डेवलपमेंट तो वो किस टाइप का होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप का होता है तो आंसर इज टू टाइप। हाउ मेनी टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट? देयर इज टू टाइप। देखिए प्लीज चेक में कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा तभी कोई कीजिएगा, ऐसा कुछ चेक में बताइएगा कोई भी। फाइन डेवलपमेंट है सेकंड जो है। हाँ फाइन, पहला होता है ग्रोथ डेवलपमेंट, दूसरा होता है फाइन डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ किसको कहते हैं? जो डेवलपमेंट हमारे बॉडी के लार्ज पार्ट में पाया जाता है, लार्ज मसल्स के अंदर होता है, लार्ज बॉडी पार्ट्स के अंदर पाया जाता है और लार्ज मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। सपोज हमारा हैंड है, इस पूरे हैंड के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, पूरे हाथ के अंदर यहां से लेके यहां तक इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरा है और वो कैसा है? ग्रोथ डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट बॉडी के लार्ज पार्ट में और लार्ज मसल्स में जो डेवलपमेंट पाया जाता है वो कहलाता है हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट। हाँ जी, ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट। और जो मोटर डेवलपमेंट हमारे बॉडी के छोटे पार्ट्स में पाया जाता है, बहुत छोटे पार्ट्स में पाया जाता है वो कहलाता हमारा फाइन डेवलपमेंट, वो कहलाता हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट। जो बॉडी के लार्ज पार्ट में हुआ वो ग्रोथ। सर जैसे जैसे हमारे हाथ के अंदर बेटा किसी को हाथ में पोलियो हो जाता है तो आप देखते हो यहीं से हाथ उसका छोटा हो जाता है ना, ये लैग में हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो जो पतला हो जाता है तो उसमें हम पूरे हाथ में देख सकते हैं, पूरे हाथ में हम देख सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट है जो बॉडी के लार्ज पार्ट में हुआ, जैसे लेग में हो गया, बैक में हो गया। ठीक है, जो बॉडी के लार्ज बॉडी पार्ट में होता है, बड़े पार्ट में वो ग्रोथ कहलाता है, जो बॉडी के छोटे पार्ट में होता है, जो बॉडी के छोटे बॉडी पार्ट्स में होता है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? फाइन मोटर डेवलपमेंट। सपोज ये मेरी फिंगर है, इस फिंगर के अंदर इस पार्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब देखो आप सबसे बड़ी बात ये यही नहीं है कि बॉडी के लार्ज पार्ट में होगा वही हमारे प्ले में हेल्प करेगा। अब ये हमारी हाथ है, फिंगर्स है, इन फिंगर्स के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनमें, अगर इसमें से किसी के अंदर भी डेवलपमेंट नहीं होता है, सपोज दैट डेवलपमेंट नहीं हुआ और ये फिंगर किसी तरह से प्रॉब्लम में है तो वी कांट प्ले प्रॉपरली। बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं ग्रिपिंग वाले, सपोज जैसे शॉर्ट पुट है, जैवलिंग है, ठीक है, जो ग्रिपिंग वाले गेम्स होते हैं तो वहां क्या होगा, हमारी ग्रिप नहीं बनेगी और दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू प्ले, वी आर नॉट एबल टू प्ले। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज fine motor development is not in proper way, तो वो proper way में नहीं हुआ तो इस वजह से वो development नहीं हुआ। ठीक है, छोटा development था उसका आपको ये नहीं समझना है कि वो क्या होगा कि उसकी importance नहीं है, उसकी भी इतनी ही importance है बेटा जितनी की fine growth की है, जितना growth development में है उतना ही fine development में। ठीक है, तो अगर सपोज मैं ये कह रहा हूं कि हाथ में या जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं, स्टेपिस, उसके अंदर अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो उस समय भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी ही होगी।
बेटा जी हम क्या देखते हैं, ये एक मिनट, ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना डिले, आप समझ लीजिए अटेंडेंस नहीं लगेगी बेटा, 1 o'clock का टाइम है तो एग्जैक्ट 1 o'clock, कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, डजंट मैटर ऑफ दैट टाइम। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, देखो बेटा कोई बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा कब पता चल जाता है, 4 साल में जब वो खड़ा होना दौड़ना वोड़ना सीख जाता है सही से, 7 साल में जब वो तेज स्पीड के साथ दौड़ता है, या फिर 10-12 साल की एज में जब वो प्रॉपर बहुत अच्छा तरह से ट्रेनिंग करना सीख जाता है, तब हम कह सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स के लिए तैयार है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा। हमने चाइल्ड जो चिल्ड्रन की एज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली चाइल्डहुड, केवल जब हम बचपन को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइप में कर सकते हैं, वैसे 2 टाइप होता है इसका, सर ये अर्ली चिल्ड्रन के आगे जो लिख रखा है 3 डैश आगे दिखाई नहीं दे रहा, एज एज नहीं दिख रही, एज फिटो 60 है 3, अभी मैं वो एक्सप्लेन करूंगा बेटा लिख लेना ठीक है। पहला बेटा अर्ली चाइल्डहुड जिसकी एज होती है 3 से लेकर 6 साल, 3 to 6 years ठीक है, yes, sir. अब दिख रहा है, yes, sir. अब दिख रहा है ना, जो एज होती है उसकी बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड में 3 से लेकर 6 साल, मिडल चाइल्डहुड जो बच्चा 7 से 10 साल का है उसको मिडिल चाइल्डहुड में डाल दिया, और जो बच्चा 11 से 12 साल का है उसको किस में डाल दिया हमने, लेटर चाइल्डहुड, लेटर चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है प्रारंभिक, इसका माध्यमिक और इसका बाद वाला ठीक है। तो हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, जब 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया तो वहां हमने क्या देखना है, वहां हमने बच्चे की एबिलिटी को चेक करना है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। बेटा जी आप मुझे बताइए कि 1 साल का बच्चा कितना डेवलप हो गया, हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं 1 साल का बच्चा, केवल 1 साल का बच्चा, सर उसकी एक्टिविटी से, ग्रोथ से, ग्रोथ से ठीक है, उसकी एक्टिविटी से आप देखते हैं कि 1 साल का बच्चा जनरली नहीं चल पाता है तो वो चीजों को पकड़ के खड़ा हो जाता है, यस सर एग्जैक्टली, घुटनों के बल चलता है वो, नीच के सहारे हेल्प से चलता है राइट, यस सर। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती है जो हम देख के ये बता सकते हैं भाई ये बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है, अदरवाइज इसको कंसल्ट करना है डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में ही देखते हैं कि अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो हम उसको डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चे के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ स्पोर्ट्स के नजरिए से। 3 साल का जो बच्चा होता है बेटा, 3 साल का बच्चा, और यही इसकी एक्सरसाइज गाइडलाइंस भी होंगी ठीक है, एक्सरसाइज गाइडलाइंस भी यही होंगी। 3 साल का बच्चा, 6 साल तक का बच्चा क्या करता है, रनिंग करना सीख जाता है, चीजों को कैच करना सीख जाता है और भागना सीख लेता है और हल्की फुल्की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगता है ठीक है, 3 साल से 6 साल तक का बच्चा, क्योंकि उसका उतना ही क्राइटेरिया है
अब तुम उससे एक्सपेक्ट करो कि वो और ज्यादा 6 साल की उम्र में ही बहुत लंबी रेस मारने लगे, बहुत नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एक डेवलपमेंट है उसका एक क्राइटेरिया है, पूरा क्राइटेरिया में उस क्राइटेरिया के दौरान हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो चीजों को कैच करता है, ग्रिपिंग कर रहा है, ग्रिप कर रहा है चीजों को, दौड़ रहा है, भाग रहा है प्रॉपर तरीके से, दैट टाइम वी कैन से दैट मोटर डेवलपमेंट इज बीइंग गुड, सही हो रहा है डेवलपमेंट, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भाई, यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम एक साल के बच्चे से। उसके बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड आता है जब 7 साल से 10 साल का बच्चा होता है, वहां वो चीजों को समझने लगता है। वहां देखिए 7 साल के बच्चे को आजकल हम कोचिंग में भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 7 साल के बच्चे को जब हम कोचिंग भेजते हैं तो वहां बहुत सारी चीजों को सीखता है और लार्ज नंबर्स होता है उसका सीखने का, बड़ा बड़ा तरीका होता है, छोटी छोटी चीजों को नहीं सीख पाता है, वो टेक्निक वगैरह होती है उसको नहीं सीख पाता है। उसकी जो बचपन की अर्ली चाइल्डहुड की जो एक्टिविटीज होती है वो उनको और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगता है। जैसे उसकी जो दौड़ थी उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, मतलब वो तेज भागने लगता है, वो ग्रिपिंग उसकी अच्छी हो जाती है, वो जंप अच्छा मारने लगता है, वो स्विमिंग करने लगता है, वो चीजों को उठाना, वेट ज्यादा उठाने लगता है, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज। वो जो अर्ली चाइल्डहुड में कुछ एक्टिविटीज को नहीं कर पाता था उनको करने लगता है, जिनको कर पाता था उनको और परफेक्शन के साथ अच्छे से करता है, तो वो अर्ली चाइल्डहुड में आता है। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड हम कहते हैं कि बाद वाला बचपन, जो जिस एज पे बच्चा ये होता है कि हाँ भाई अब इस पे आ गया, इसको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए हम तैयार कर सकते हैं। हम स्पोर्ट्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर ही है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। हाँ, सिलेबस आपके पास होगा, इसमें 2 टॉपिक कटे हुए हैं लास्ट के, ठीक है बेटा। यस सर। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे लेट आए थे वो समझ लें कि आपका चैप्टर 1-6 आपका सिलेबस है बेटा फॉर द हाफ ईयरली। तो ध्यान से सुन लीजिए, हाफ ईयरली के लिए आपका जो चैप्टर आएंगे 1-6 होंगे। तो यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड के बाद लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, वो परफेक्ट होने लगता है चीजों में, अच्छे तरीके से सीखता है मिडिल चाइल्डहुड में, पर उनमें परफेक्ट होने लगता है लेटर चाइल्डहुड में, क्योंकि 11 से 12 साल का बच्चा बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझने लगता है। वो समझता है कि किस टाइम किस तरह की नीड होती है कोच को और लोगों को, जिससे वो परफॉर्म कर सकता है। वो बिल्कुल चीजों को समझता है, अब स्किल्स को सीखने लगता है। जैसे एक बच्चा है खेल रहा है, वो बैडमिंटन खेल रहा है, तो 11-12 साल की उम्र में उसको पता चलता है कि किस तरह से इसको ग्रिप करना है। वहां हम मिडिल चाइल्डहुड में उसको बता सकते हैं किस तरह से पकड़ो, पर हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, जवाब नहीं बता सकते, उसको परफेक्शन के साथ सिखा नहीं सकते। पर जब वो लेटर चाइल्डहुड में आता है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि बेटा इस तरह से आपको तैयार होना है, इस तरह से आपको पकड़ना है। तो वहां वो स्किल्स और टेक्निक और जो कीन ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम कर सकते हैं, मतलब बहुत बारीकी से बच्चे को देख सकते हैं कि अब वो स्पोर्ट्स की तरफ कितना बढ़ा, कितना वो स्पोर्ट्स की तरफ मूव कर रहा है। देख लो आप, 11-12 साल का बच्चा जो होता है आज के डेट का, वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने लगता है। हारता है जीतता है डजंट मैटर, हारता है जीतता उसका मैटर नहीं है, मैटर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। अब उसकी परफॉर्मेंस को देखकर ही हमें अंदाजा लगाना है कि वो किस तरह से इसको परफॉर्म करेगा आगे चल के, किस तरह से परफॉर्म करेगा आगे चल के। तो ये 3 हमारे मोटर डेवलपमेंट के एक ग्रुप थी, चाइल्डहुड में चिल्ड्रंस की, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, 3 थी।
तो ये बेटा कुछ थे डेवलपमेंट के। हाँ अब बेटा आप समझ लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से पूछिए। नो सर। नो बेटा कुछ फैक्टर होते हैं। अब देखो मोटर डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, उस पर असर डाल सकते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। कौन सा होता है? बायोलॉजिकल फैक्टर। देखिए किसी बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इसको कहा जाता है इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट फैक्टर, इफेक्टिंग अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। कौन कौन सी चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं कि किसी बच्चे का सार्विक विकास सही से हुआ है या नहीं हुआ है, उसका मोटर डेवलपमेंट, उसकी मसल्स, उसकी हाइट, सॉरी मसल्स और बोन सही से ग्रो हुई हैं या नहीं हुई हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्या होता है बेटा? बायोलॉजिकल फैक्टर वो होता है जो एक पेरेंट से अपने बच्चों को मिलते हैं बाय बर्थ। सपोज दैट मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, बट आपने देखा होगा कि जिस बच्चे के माँ बाप लंबे होते हैं, अमूमन बच्चा लंबा होता है, जिसके छोटे होते हैं, ठीक है, जिसकी हाइट कम होती है इसके पेरेंट्स की, अमूमन चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे की हाइट भी कम होगी। yes, ऐसा है ना, ऐसा होता है, यू कैन सी इन सोसाइटी, सोसाइटी में आप देख सकते हैं। तो वो होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जो पेरेंट्स से बाय बर्थ, पेरेंट्स से बाय बर्थ बच्चे को मिलता है, बच्चे को बाय बर्थ मिलता है, वो होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। सर इसको हेरिडिटी भी तो बोला जाता है ना? हाँ हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत होता है, हेरिडिटी का मतलब ही विरासत होता है। विरासत का मतलब क्या होता है बेटा? जो चीज हमें पहले से मिल के आई है, ठीक है, और इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज से बायोलॉजिकल फैक्टर। सेकंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, फैक्टर सॉरी, वो फैक्टर जो हमें हमारे चारों तरफ के एनवायरमेंट से मिलते हैं, पर्यावरण से मिलते हैं। देखो बेटा yes, बच्चा बहुत अच्छा हेल्दी है, बहुत अच्छा हेल्दी है और अच्छे वातावरण में रहता है, साफ सुथरा और कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई डिजीज नहीं है, बट कुछ दिनों के लिए वो ऐसे एनवायरमेंट में चला जाता है जहां पे बहुत ज्यादा रस है, भीड़ है, बहुत ज्यादा गंदगी है, पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन है, और बहुत ज्यादा मतलब गंदगी को वो फेस कर रहा है, तो आप देखोगे वो बच्चा क्या होगा? बीमार होने लगेगा। तो क्यों हुआ बीमार? क्योंकि इन्वायरमेंटली फैक्टर उस पर काम कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं ना, yes, sir. इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो इन्वायरमेंटली फैक्टर काम करते हैं, ठीक है।
थर्ड है न्यूट्रिशन. व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? एक जो हमारी बॉडी के लिए कंपलसरी चीजें हैं वो हमें प्रॉपर हमारी डाइट से मिलती रहें. हम कहते हैं ना न्यूट्रिशन नहीं हुआ इसलिए इसकी हाइट नहीं बढ़ रही. किसी बच्चे का क्या होता है? किसी बच्चे का ये है बेटा कि मम्मी पापा भी लंबे हैं पर बच्चा बहुत पतला है, छोटा है, वो इम्प्रूव ही नहीं कर रहा है. क्यों? कहते हैं ना बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा सही से. हाँ, ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, वो बच्चा कुछ खाता नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं लेता है, बैलेंस डाइट नहीं लेता है. डाइट और बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा डिफरेंस है. चैप्टर सेकंड पढ़ा होगा आपने न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स, तो सर ने पढ़ाया होगा, मैम ने पढ़ाया होगा, वहां पे डाइट और बैलेंस डाइट में क्या डिफरेंसेस है बेसिकली बताया ना. तो क्या डिफरेंसेस है? तो वो कहते हैं कि जब बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, तो वहां पे उसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है. जैसे आयरन है, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, कोबाल्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वाटर लेवल, बहुत सारी चीजें उसके अंदर न्यूट्रिशंस ना मिलने के कारण उसका जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाता है. तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम करता है न्यूट्रिशन ना होना, न्यूट्रिशन का ना होना अच्छे न्यूट्रिशन का ना मिल पाना, ठीक है, वो भी फैक्टर करता है. अब मम्मी पापा दोनों लंबे हैं तो बच्चा लंबा होगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे ने अच्छी डाइट ही नहीं ली, बच्चा कुछ खाता नहीं पीता नहीं, तो हाउ कैन पॉसिबल कि ही विल टॉल? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, ठीक है. चलिए.